इतना सही। मैं आज आप लोगों को भूमिगत जल के कार्य के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा, और भूमिगत जल के कार्य के संदर्भ से पहले जब आप सब हम लोग मुलाकात किए थे, कन्वेंशन था, तो आपने देखा होगा कि उसमें हमने बात किया था नदियों के जल के क्या कार्य होते हैं। आगे इसी क्रम में हिमानी कार्यों को देखेंगे और एक सिलसिलेवार तरीके से आप समझेंगे कि जो स्थलखंड बनते हैं उसके क्या प्रारूप और कितने प्रारूपों में होते हैं। मैं अगर भूमिगत जल के कार्य में थोड़ा विस्तार दे दूं तो इस बोर्ड पर आप देखेंगे शक्तियां, यानी कि भूमिगत जल की क्या शक्ति होती है। आप पाएंगे जिसमें चार क्रियाएं हैं, घुलनशील क्रिया है, जलगति क्रिया है और अपघर्षण सन्निघर्षण। ये चार क्रियाओं का स्पष्ट एक आपके पास व्याख्या होगी तो चीजों को आगे समझना बड़ा आसान हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा कुछ मापदंडों में भी समझे कि जैसे आपके साथ आपने कभी आपके विचार आए होंगे कि कोई पानी अगर टपकता है तो फिर टपकने की जगह पर थोड़े से ऐसे टपकने के बिंदु क्यों बन जाते हैं। अगर वो पानी टपक करके उस बिंदु को बना भी देता है तो उसमें देखिए कई चीजें रंध्र उसके गिर करके नीचे जमा भी हो जाते हैं। तो इस तरीके का आप देखेंगे कि डिपोजिशनल, अगर वो चीजें कहीं पर गिरती है तो डिपॉजिट होगी और कहीं से हटती है तो एक प्रकार से इरोशन, यानी अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक। तो जल क्रिया जो ये भूमिगत जल की क्रिया है इसमें भी अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक क्रिया होती है। तो अपरदनात्मक अगर देखेंगे तो एक लैपिस जो स्थल खंड का प्रारूप, एक लैपिस घोलरन डोलाइन युवाला और ऐसे करते हुए कोल्जे और अंधी घाटी के साथ कंदराएं बनती है। जब जब किसी चट्टान पे माना बारिश का पानी आ गया, आपके घरों की दीवारों पे भी पानी आ जाता है तो वहां से पेंट पुट्टी ऐसी चीजें हटा देता है तो इरोशन कर दिया उसको। उसी तरीके से अगर किसी चट्टान में माना उसमें चूना मिला हुआ है, बारिश का पानी प्रवेश करेगा तो उसको हटा देगा वहां से। हटाने की क्रिया में किस तरीके से हटाया, जैसे लंबवत फॉर्म में हटा दिया तो जैसे लैपिस वगैरह बन जाते हैं, अगर उसमें से छोटे छोटे गड्ढे बन गए तो जैसे आपने देखा होगा घोलरन बन जाते हैं, वही गड्ढे बड़े हो जाते हैं डोलाइन के रूप ले लेते हैं, युवाला वही डोलाइन कई डोलाइन मिल जाए युवाला का रूप ले लेते हैं, ऐसे करते करते इतनी बड़ी स्थिति भी बन जाती है कि चीजें अंधी घाटी तक में तब्दील हो जाती है। अंधी घाटी का मतलब यह है कि कभी कभी वो नदियों के चपेट पाते तो पूरी नदियां उसमें समाहित होकर बहती हैं और नीचे नीचे वो समुद्र में मिल जाती हैं, और वो नदियों का पूरा स्वरूप भी मानक अस्तित्व ही खतरे में होता है। और कंदराएं भी इसी का एक अपना आस्पेक्ट है, एक बनने का एक फंक्शन आस्पेक्ट है कि भूमिगत जल मतलब ये सात आठ प्रकार की चीजें स्थल खंडों में बना सकती है। लेकिन इसी चीज को आप देखें निक्षेपात्मक क्रिया में देखेंगे, स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है और स्तंभ कंदरा भी है आप इसमें देखेंगे। तो कंदरा स्तंभ भी कैसे बनेंगे, माना एक उदाहरण के तौर पे कोई चीज नीचे से लटक रही हो, इरोशन हो गई, अगर वही चीज नीचे गिर रही हो तो डिपॉजिट हो रही है, लेकिन लटक रही हो गिर रही हो लटक रही हो और दोनों आपस में मिल जाए तो स्तंभ कंदरा भी, क्योंकि ये कंदरा के अंदर क्रिया हो रही है तो वे स्तंभ कंदरा इसे कहते हैं।